आने वाले समय में अगर आपको पार्टी वापस से लेती है कोई बात है तो वापस से आप ज्वाइन करेंगे? देखिए, जहां तक मेरे निष्कासन का सवाल है, वो पार्टी के संविधान में जोड़ना लिखा है, तोड़ना नहीं लिखा। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में जोड़ना लिखा है, तोड़ना नहीं लिखा। और कोई भी पार्टी लोगों को जोड़ती तोड़ती नहीं। ऐसा पहली बार हुआ कि बिना किसी कारण के अवसरवादी जो लोग हैं, जो खुशामद करके और दूसरे हथकंडे अपना करके जो पदाधिकारी बन जाते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों का जिनको कोई अनुभव नहीं है और जो खुद अनुशासनहीनता कर चुके, उनका मैं शिकार बना हूं। और उसका कारण ये था कि मैंने ये कह दिया कि सक्षम आदमी भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाले, ये असक्षम लोग थे। इसलिए इन्होंने मौका देख के मात्र इस बात के लिए कि मैंने अलवर की वर्चुअल मीटिंग तो विद इन पार्टी ही होती है, मैंने ये कह दिया कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अलवर में 2 वर्ष हो गए, कोरोना जैसी महामारी से लोग कार्यकर्ता जूझ रहे थे, कोई प्रदेश स्तर का कोई आदमी ना तो बीजेपी का आया, ना हमारे 3-3 केंद्र में मंत्री हैं, उनमें से कोई नहीं आया। अगर वो आते तो जो पैसा दिल्ली से आया, प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो भेजा है यहाँ पर फंड, उसका दुरुपयोग हुआ है हमारे जिले में, क्योंकि जो कांग्रेस का राज है वो अपने अपने लोगों के यहाँ उनका पैसे का सदुपयोग किया और कुछ खा गए। और हमारे क्षेत्र में जब बीजेपी के जो कार्यकर्ता लोग थे, जो जनता थी, जहाँ बीजेपी का गढ़ कहलाता है, उसमें कोई काम नहीं हुआ। तो मैंने ये अपनी तकलीफ जाहिर की थी वर्चुअल मीटिंग में, नेताओं को आना चाहिए, बस उस बात का बवंडर बना दिया कि आपने केंद्रीय नेताओं की आलोचना की। ये कोई विषय भी नहीं है, विद इन पार्टी हुआ, और पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए ना। या जय जय बोलते रहेंगे या कमियां होंगी उनको उजागर नहीं करें, ऐसा कहीं नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन आया एंटी डिफेक्शन पर, कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं या दूसरे नेता हैं, वो अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अनुशासन की तलवार जब चलेगी, जब या तो वोटिंग का सवाल हो कि भाई वोटिंग किस कांग्रेस और बीजेपी में, कांग्रेस वाले चाहेंगे हमारे पक्ष में डालें बीजेपी में, तो वोट पार्टी के आदमी को पार्टी में डालना पड़ेगा, बाकी वो भाषण और अपने विचार व्यक्त कुछ भी कर सकता है, उसमें वो स्वतंत्र है, ये सुप्रीम कोर्ट का भी। उसके बावजूद मुझे निकाल दिया। तो निकालने का साफ मनसा ये है कि हम चाहते थे कि भाई आज राजस्थान में जो नेता है जिन्होंने बीजेपी की 2 बार सरकार बनाई और इंडिपेंडेंट सरकार बनाई, ऐसी सरकार बनाई जिसमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं हो, तो वसुंधरा राजन बनाई, एक बार 120 सीट से लेके आई, दूसरी बार 163 सीट लेके आई, तो नेचुरल लीडर सारी दुनिया चाहती है। और अब मैं नहीं, अब तो धीरे धीरे सबने बोलना शुरू किया, आपने देखा राजेंद्र जी भी बोले, प्रभुलाल सैनी भी बोला, प्रहलाद गुंजल भी बोल रहा है, बहुत लोग, और हम धीरे धीरे आगे आगे और भी बोल देंगे। तो ये कोई गुनाह नहीं था, लेकिन मुझे शिकार बना दिया गया उसका। तो किसी के निकालने से कुछ फर्क नहीं पड़ता मन में। भगवान राम का हनुमान जी भगत थे, और जब राज तिलक हुआ तो राज तिलक के वर्ष सीता जी ने खुश होकर के उनको माला पकड़ाई, उनको माला दी, उनको हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने उस माला के मणि चला चला के देखे, उसमें राम लिखा हुआ नहीं था, तो उन्होंने वो चूंकि वानर वंश से थे तो उन्होंने तोड़कर उसको फेंक दिया। तो उन्होंने कहा कि विभीषण वहां आए हुए थे लंका के, जो लंकाधीश बन चुके थे, उनको राज मिल गया था, तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, आपने सीता जी की द्वारा दी गई गिफ्ट को आपने ऐसे फेंक दिया। कहता है इसमें राम कहीं नजर नहीं आए। तो उन्होंने कहा आपके शरीर में क्या राम है, तो उन्होंने सीना चीर के बताया। तो हमने कहा कि हमारे मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बसते हैं, तो तुम कौन होते हो उनको निकालने वाले? किसी के कागज से निकालने से कुछ नहीं होता। और उसके बाद मैंने कहीं बीजेपी की बुराई नहीं की, कहीं भी नहीं की, लेकिन मैंने कहा बोलूंगा जरूर, सत्य को सत्य जरूर बोलूंगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये बात हुई। इससे ज्यादा इस बार क्या लगता है कि वसुंधरा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इस बार सरकार बना पाएगी? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं,
कि नेता का चयन अगर जनता करेगी, जनता का मूड देख करके, जनता का मूड देख कर अगर नेता का चयन करोगे तो राज आ जाएगा, और जनता के मूड के खिलाफ अगर आपने नेता का चुनाव किया, चुनाव तो क्या होगा, तो थोपना होता, अगर नॉमिनेट कर दिया तो वो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का राज आ जाएगा। वातावरण बहुत अच्छा है क्योंकि कांग्रेस के राज में इतनी लूटपाट, लूट खसूट, और आप देखो 60 के करीब सुपर चीफ मिनिस्टर हैं, 60 एमएलए ऐसे हैं जो सुपर चीफ मिनिस्टर का काम करते हैं। एसपी कलेक्टरों की चलती नहीं, एसपी एक सिपाही बदल नहीं सकता बिना एमएलए की मर्जी के, कलेक्टर एसडीओ की को 4 सीट नहीं दे सकता, इस तरह की बुरी हालात पैदा कर दी है, और जनता त्राईमाम त्राईमाम, नीचे लेवल पर भयंकर भ्रष्टाचार हुआ जो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, तो भी बिना नेतृत्व के बीजेपी का राज आना बहुत मुश्किल है। तो ये कहा जा सकता है कि अगर वसुंधरा जी का चेहरा सामने नहीं आया तो बीजेपी इस बार सरकार नहीं बना पाएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता, बिना लीडर के होता ही नहीं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जैसे मोदी जी का एक चमत्कारी चेहरा है, लेकिन मोदी जी का चेहरा भारत सरकार बनाने के लिए है, केंद्र में कौन हो, नरेंद्र भाई मोदी हो। आज हिंदुस्तान की जनता को नरेंद्र भाई मोदी का चेहरा भगवान राम की तरह नजर आता है, लेकिन राज्यों में ये संघीय ढांचा है, ये संघीय ढांचा है, तो भारत का प्रधानमंत्री उतना सशक्त और पावरफुल नहीं है जितना अमेरिका का राष्ट्रपति। अगर दिल्ली में से कोई एक सिपाही को बदलना हो राजस्थान में, तो अशोक गहलोत बदली करें करें नहीं करें, ये डिपेंड करता है अशोक गहलोत पे। तो संघीय ढांचा में हिंदुस्तान की जनता आजादी के 74 साल बाद ये समझती है कि पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति ही प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में जितनी पावर होती है उतनी देश का प्रधानमंत्री राज्य को सुविधा नहीं दे सकता जितना मुख्यमंत्री का, इसलिए मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं। अभी हमने मुख्यमंत्री बनाया महाराष्ट्र में, मुख्यमंत्री बनाया हमने मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री हमने बनाया हरियाणा में, मुख्यमंत्री हमने बहुत सी जगह बनाए, लेकिन ऊपर से थोपे हुए बनाए। परिणाम क्या है चुनाव के बाद, आपका महाराष्ट्र निकल गया, आपका मध्य प्रदेश निकल गया, ये बात दूसरी, एक तोड़ फोड़ करके बना दिया, आपका हरियाणा निकल गया, पूरी ताकत लगाई बंगाल में, क्या हुआ, हमारे पास चेहरा नहीं था मुख्यमंत्री का, तो बंगाल में बुरी तरह हार गए। बिहार में टेक्निकल तरीके से हम राज्य सरकार तो बना पाए, लेकिन एक तेजस्वी यादव के एक टूटे हेलीकॉप्टर ने 53 नए हेलीकॉप्टरों को मार गिरा है, मार मार कर, वो 53 था, वो अकेला हेलीकॉप्टर था क्योंकि वो चेहरा था। अगर वो तो लालू प्रसाद जेल में था, अगर लालू प्रसाद बाहर होता तो बिहार में क्या होता। इसलिए थोपे हुए नेता नहीं चलते, नेचुरल लीडर होना चाहिए, लीडर होगा तो ही राज आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।